यूपी के इटावा की चौ हुकुम देव कुंवर महाविद्यालय एक दिल की एक छात्रा ने कम उम्र में कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विजय प्राप्त की। बताया जा रहा है कि विजयी छात्रा का नाम राधिका सक्सेना है, जिसने इटावा महोत्सव में कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उसमें उसने सभी में जीत भी प्राप्त की, जिसमें कला प्रतियोगिता, जूडो कराटे आदि जैसी कई प्रतियोगिताएं शामिल है। बच्ची का कहना है कि आज के माहौल को देखकर हर लड़की को सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो कराटे जैसी कला अवश्य आनी चाहिए। इटावा से संजीव कुमार, SKH न्यूज। क्या नाम है आपका? राधिका सक्सेना। राधिका, ये बताइए, आपने जिले में तीसरे स्थान प्राप्त किया है। हाँ। कला में कैसे कैसे क्या सीखा उसमें आपने? मैंने ड्राइंग 9th क्लास से सीखना स्टार्ट की थी। ये सर मेरे खड़े हैं वीरेंजर, इनसे मैंने शराय पे जाके ड्राइंग सीखना स्टार्ट किया और अभी तक सीख ही रहे हैं। बी ए के भी कोचिंग कर रहे हैं और अभी प्राप्तिक की और आई जी ने भी। अच्छा, कुछ आपने कराटे के बारे में बताया है छात्रों को, छात्राओं को, तो किस तरह से कराटे से सीख के हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? कराटे से आजकल लड़कियों को सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। आजकल बसों में काफ़ी कुछ चल रहा है, तो लड़कियों को कराटे सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी के बारे में मैंने सीखा हुआ है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? हमारे बी एस जी। जिस तरह से एक छात्रा अभी तीसरे नंबर पर इटावा जिले में आई है, तो किस तरह से आपने कला वगैरह सिखाया जिससे तीसरे स्थान प्राप्त हुआ? उसका ये है, ये बहुत दिन से सीख रही है और इसका अच्छा है, ये करती है, अच्छा बनाती है। और इसमें लिया था इसने, क्या नाम, नुमाइश पंडाल में काफ़ी बच्चे थे, उसमें से उन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कला किस तरह सीख सकते हैं? कला जो है बच्चों को, वैसे तो हर एक के अंदर कला है, हमारा तो थोड़ा सा ये रहता है उसको उजागर करना, उसको बताना थोड़ा कि ये तुम्हारे अंदर कला है, कैसे आप बना सकते हैं, उसको थोड़ा सा बताते हैं उसको। सर, कला से कोई फ़ायदा? कला तो सारी जगत में कला ही से है, जो कुछ भी आप देखते हैं वो कला ही से। आज हम भगवान की मूर्ति देख रहे हैं, वो भी कला ही से। जब कोई अनुभव करता है तो उसको कैनवास पे या किसी उससे अपना ड्रॉ कर लेता है और फिर शिल्पी भी उसी को पहले ड्रॉ करके फिर भगवान की मूर्ति निकालता है और उसके आज हम कला के अनुसार ही सारे चल रहे हैं।